Hey everyone, this is Shubham Dashora and this is the 8th video lecture of General Organic Chemistry series, and in this video we are going to deal with aromaticity. ठीक है, aromaticity हम लोग start करेंगे यहाँ पे, और इससे पहले हमने electron displacement effect ख़त्म किया है, उसके questions भी ख़त्म कर लिए. तो अब एरोमेटिसिटी, और इसके बाद हम लोग एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे. एरोमेटिसिटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एरोमेटिसिटी की सबसे पहली जो बात स्टार्ट की थी वो की थी हक्कल ने. ठीक है, हक्कल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सबसे पहले एरोमेटिसिटी स्टार्ट की थी. वो एक्चुअली साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि साइक्लिक कंपाउंड्स जो है ना, वो दो तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं. एक्चुअली तीन तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं. पहला कि उनमें या तो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आ रहा है, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आ रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन. ठीक है, दूसरा उनके अंदर रेजोनेंस की ही वजह से एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइजेशन आ रहा है. ठीक है, एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल, डीस्टेबलाइजेशन. और तीसरा जो था वो था नो इफेक्ट, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना वो स्टेबल हो रहा है ना डीस्टेबल हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है. तो ये सब क्या हो रहा है, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने, 4n+2π इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स की बात हो रही है. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स थे, जहाँ पर n की वैल्यू वेरी कर सकती है 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा, तो उनके अंदर रेजोनेंस जब हो रहा था, साइक्लिक रेजोनेंस, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही थी. तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए उन्होंने नाम दिया कि ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है. अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइजेशन आया, उसके अंदर थे 4n π इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो होगी 1, 2, 3 क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा वैल्यू, तो 4n की टोटली 0 हो जाएगा, तो 0π इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि उसके अंदर रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जिन कंपाउंड्स के अंदर एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइजेशन आया, उनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो 4n थे. ऐसे कंपाउंड्स को उन्होंने नाम दिया एंटी एरोमेटिक. ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिनके अंदर ना स्टेबलाइजेशन आया और ना डीस्टेबलाइजेशन आया, वो हो गए नॉन एरोमेटिक. ठीक है, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी जो कहानी है ये क्या चल रही है. पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन्होंने एक रूल दिया, हक्कल रूल, कि मतलब हमको पता लगाना है के लिए कि कोई भी साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है. तो उसके कुछ कंडीशंस है, तो वो हम लोग देखते हैं पहले कि हक्कल रूल क्या होता है. ठीक है, हक्कल रूल पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हक्कल रूल. हक्कल रूल सबसे पहली बात तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एप्लीकेबल है. तो साइक्लिक कंपाउंड या फिर इसी के साथ मैं एक और टर्मिनोलॉजी ऐड कर दूं, तो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर रेजोनेंस हो रहा हो, तो साइक्लिक रेजोनेंस. ठीक है, मॉलिक्यूल जो है, जो अपना साइक्लिक कंपाउंड है, उसका प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो मॉलिक्यूल किसी भी कंडीशन में प्लेनर नहीं है, प्लेनर होने का मतलब क्या है, प्लेनर होने का मतलब है कि या तो उसके अंदर sp2 कार्बन हो, या उसके अंदर सारे कार्बन जो है वो sp हो, sp2 या sp दोनों चलेगा. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया, तो हमको पता है sp3 हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो कभी भी एक प्लेन में नहीं रह सकता. तो प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है, और साइक्लिक रेजोनेंस का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब तीसरा जो रूल आएगा वो हमारा रूल जो है
वो है या तो उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उसके अंदर 4n प्लस 2 पाई है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर उसके अंदर 4n पाई है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर वो साइक्लिक कंपाउंड है पर उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है मतलब हमारा क्राइटेरिया ख़त्म हो गया हक्कर रूल का, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। जो भी कंपाउंड इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है वो सारे नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। अगर इन दोनों रूल्स को उसने फॉलो कर लिया तो हम डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, 4n पाई है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसी एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा कि अभी क्या बताना था। ये मैंने एक 5 मेंबर कंपाउंड लिया, इसके ऊपर मैंने लगाया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और मैंने 5 मेंबर रिंग ली, तो इसके ऊपर मैंने लगाया नेगेटिव चार्ज, और एक और मैंने 5 मेंबर रिंग दी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। ठीक है, अब तीनों में अगर मैं अपना हक्कर रूल लगाने की कोशिश करता हूँ, तीनों साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंसर है बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पर तो रेजोनेंस भर भर के हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच में sp3 कार्बन आ चुका है। sp3 कार्बन के आते ही यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो साइक्लिक रेजोनेंस होएगा ही नहीं, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी भी पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करेंगे। अगर पहले ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी थे, लगा के आ जाते हैं एंटी एरोमेटिक, पर वो गलत होता क्यों? क्योंकि इसके अंदर sp3 कार्बन है, और जहाँ पर भी sp3 कार्बन आ जाएगा डायरेक्ट उसको नॉन एरोमेटिक घोषित कर देना। ठीक है, अब बचे ये दोनों कंपाउंड। ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं पाई इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? 2 plus 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इन्वॉल्व? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिव चार्ज डी लोकेलाइज है वो पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट होता है, हमने अच्छे से देखा था पहले। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस रूल को फॉलो करता है? 4n प्लस 2 को फॉलो करता है, इनकी वैल्यू 1 रख देंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, याइक्स, ये वाला कंपाउंड इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4n पाई को फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं हक्कर रूल को अप्लाई करके कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है या कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, वो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। अभी जब हम इंडिविजुअली रिंग्स पे जाएंगे तब हर एक रिंग को, हर एक 3, 4, 5 हर एक मेंबर की रिंग के इंडिविजुअल एग्जांपल्स करेंगे तो हमको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी उससे कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली है वो ये है कि ये जो हम एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन, एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइजेशन बोल रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है? ठीक है, हमने ठीक है जो भी उसको स्टेबिलिटी उसकी चेक कर ली, जैसे भी कर ली, पर उसका प्रूफ क्या है कि वो ज़्यादा स्टेबल है? किस क्या रीज़न क्या है, किसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हुआ? तो आंसर हक्कल ने बोला, अभी बताते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये देखो, ये मैंने एक असाइक्लिक कंपाउंड लिया 3 मेंबर का, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक रिंग ली 3 मेंबर की, ठीक है, ये दोनों पर मैंने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, दोनों बिल्कुल सेम है, ये भी 3 मेंबर है, ये भी 3 मेंबर है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर भी यहाँ पर रेजोनेंस है, इसके अंदर भी यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो यहाँ पर भी 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई है, दोनों 3 मेंबर ही है, पर फिर भी ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है,
ऐसा हकल ने बोल दिया कि ये एरोमेटिक है तो साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तीनों कार्बन sp2 है तो बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड है ये, और इसकी वजह से ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। पर हमने बोला प्रूफ कहाँ है, हमको प्रूफ चाहिए अच्छा वाला, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी को तो मानते हैं सब जने, मानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी को, उससे अभी अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके MOT डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड बना होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से शेयरिंग चल रही होगी। अब हमको पता है जब भी कभी दो ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है तो दो तरीके से हो सकती है, पहला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। सेम फेज में अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो उसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और अगर अपोजिट फेज में बनते हैं, अपोजिट फेज में वो ओवरलैप करते हैं तो उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास तीन ऑर्बिटल है जिनकी मुझे मिक्सिंग करनी है, ठीक है, तीन पी ऑर्बिटल्स हैं। अब ये सेम फेज में भी ओवरलैप कर सकते हैं और डिफरेंट फेज में भी ओवरलैप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। पहला, और ये नीचे से ऊपर एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। पहला केस हो सकता है जब यहाँ पर तीनों के तीनों सेम फेज में ओवरलैप किए हों, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो ये वाला इसका भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर तीनों में सेम फेज में ओवरलैप किए हो तो उसके अंदर यहाँ पर एक BMO बन जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे नीचे हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर नोड्स कितनी है, जीरो नोड्स है, जीरो नोड्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक एंटी बॉन्डिंग इसमें आ जाए, एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाए, वो कैसे हो सकता है। ये वाला तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही रहे और ये वाला भी पॉजिटिव नेगेटिव रहे और ये वाला उल्टा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो एक बॉन्डिंग बनेगा और यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, मतलब यहाँ पर एक नोड आ जाएगी, तो वन एंटी बॉन्डिंग। और हमको पता है कि जब भी एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन जाता है तो उस केस में यहाँ पर क्या सा बन जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब तीसरे केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर नोड्स कितनी आ गई, वन नोड। तीसरे केस में हम वापस ओवरलैप करा के देखते हैं तो मैं यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बना देता हूँ इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, ये फिर से नोड, नेगेटिव पॉजिटिव, ये फिर से नोड, ऐसे ही सब तरीके से नोड दिख रही है हमको यहाँ पर। तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, टू नोड्स होगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पर दूसरा भी एंटी बॉन्डिंग, दोनों एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ पर जो अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग, या फिर छोटा लिख देते हैं ABM, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मुझे कितने फिल करने हैं, तो आंसर है यहाँ पर तो दो ही पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये फिल होगा इसके अंदर दो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक जो केस चल रहा था वो अपना इसका चल रहा था, तो हमने देखा कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आफ्टर रेजोनेंस भी, तो वो इस एनर्जी पर है, किस एनर्जी पर है, इस एनर्जी पर अभी है। अब हमने देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देखते हैं ज़रा, ठीक है। इसको अगर जब हम बनाते हैं तो ये भी अपना साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम कहानी चल रही होगी। अब यहाँ पर जो हमने बनाए हैं ये भी तीन ही हैं और वो भी तीन ही है, तो एक काम करते हैं ये के जो इसके अंदर जो हमने फेज ड्रॉ किए थे वो के वही वाप बनाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने थे, तो आंसर है ये एक और ये दो, तो 1B और ये 1B, तो ये टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर कितने हैं, ये 1B, ये 2B, ठीक है, ये 1B मतलब, और ये वाला भी 1B, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वहाँ पर तीन बन रहे हैं। हमको पता है कि जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है उतना एनर्जी डिक्रीज करती है, तो इस केस में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर BMO बनेगा वो 3B की वजह से बन रहा होगा,
और वो इससे थोड़ी लोअर एनर्जी में होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया और एक को रख लिया नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके बीच में एंटी बॉन्डिंग, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, इसके बीच में भी एंटी बॉन्डिंग, ये पॉजिटिव इसके बीच में बॉन्डिंग। यहाँ पर एक बॉन्डिंग है और दो एंटी बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग तो न्यूट्रल हो गया और दूसरा हमारे पास बचा केवल एक एंटी बॉन्डिंग। तो अब ये यहाँ पर इस केस में जो नॉन बॉन्डिंग बन रहा था उससे थोड़ी ऊपर एनर्जी में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी एम हो यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये किस, ये एक एंटी बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर हो रहा। ठीक है, अब अपना तीसरा केस बचा है कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं उसको भी फिल कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरा वापस पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव इसने यहाँ पर बॉन्डिंग बना लिया, पॉजिटिव नेगेटिव एंटी बॉन्डिंग हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव वापस से एंटी बॉन्डिंग हो गया, हमारे पास वापस वही केस आया, दो एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग तो न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक एंटी बॉन्डिंग। तो वापस यहाँ पर सेम एनर्जी पर ही जो पिछले वाला था, एक और अपने पास एक ए बी एम ओ बन जाएगा। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सोचो तो याद आएगा कि इनको हम बोलते हैं कि ये दोनों सेम एनर्जी पे है, और सेम एनर्जी वालों को क्या बोलते हैं कि ये दोनों डी जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो जिनको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते थे, याद है। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि यहाँ पर ये दोनों सेम एनर्जी पर रहेंगे, तो बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए सारे, अब हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो आंसर यहाँ पर तो दो ही पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर फिल कर दिए। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर दो पाई इलेक्ट्रॉन फिल किए तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जो मेरा असाइक्लिक कंपाउंड था उसके पाई इलेक्ट्रॉन तो इस एनर्जी पर बैठे हुए हैं, और जो मेरा साइक्लिक था उसके पाई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी पर बैठे हुए हैं। तो क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी पर हैं, इसकी वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, और यही सारी कहानी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करती है कि वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन देयर असाइक्लिक फॉर्म्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो लोअर एनर्जी पे होते हैं, जिसके वजह से उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये सारी कहानी थी, पर चलो एक और इंटरेस्टिंग केस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मज़ा आएगा, अभी मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारा कुछ काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं, बस हमको ये चाहिए, बस ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। हमने ये तो प्रूव कर दिया कि एरोमेटिक जो साइक्लिक था वो अपने असाइक्लिक से ज़्यादा स्टेबल था, अब ज़रा एक और चीज़ प्रूव करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों भी थ्री मेंबर्ड है, दोनों के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर 2+2 फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2+2 फोर पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल, साइक्लिक कंपाउंड है, क्या सारे जो है अपने यहाँ पर sp2 है, बिल्कुल sp2 है सारे, और रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस बिल्कुल हो रहा है, इसके पास फोर पाई इलेक्ट्रॉन से बेचारे के पास, फोर पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है एंटी एरोमेटिक, जब एंटी एरोमेटिक है तो हम हकल ने बोला कि भाई ये एंटी एरोमेटिक है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज होएगा, एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज होएगा तो इसकी जो असाइक्लिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन एमओडी से एक्सप्लेनेशन देंगे ना, अभी देते हैं। देखो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमने कैसे ड्रॉ किया था, ये रहा, साइक्लिक वाले का कैसे ड्रॉ किया, ये रहा, ये पाई इलेक्ट्रॉन तो हटाओ भाई। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आंसर है इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, फोर है पाई है, ये दो इसमें भर दिया, दो इसमें भर दिया, उसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये 1, 2 और ये 3, ये 4, अरे भाई। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं ये हैं गए हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि नॉन बॉन्डिंग से हायर एनर्जी में है,
और क्योंकि ये हायर एनर्जी में है उसकी वजह से ये वाला कंपाउंड एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज हुआ है अपने असाइक्लिक फॉर्म से, इसलिए हम ये कहते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज होते हैं और एरोमेटिक जो कि लास्ट केस था वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होते हैं। इस तरीके से हक्कल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करी और उन्होंने फाइनली अपना ये रूल निकाला, हक्कल रूल, जिसको हम लोग शिद्दत चार्ज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हक्कल रूल का एक्सप्लेनेशन और एरोमेटिसिटी की से स्टेबिलिटी क्यों आती है उसका एक्सप्लेनेशन विया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन क्या हम बार बार ऐसे हर एक साइक्लिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पसंद करेंगे? तो आंसर है नहीं। हम बार बार ऐसे कौन बनाएगा ऐसे फालतू में ऑर्बिटल को ओवरलैप करो, सेम फेज को, अपोजिट फेज को, सारे फेजेस को चेक करो। तो फिर एक साइंटिस्ट आ गया यहाँ पर जिनका नाम था फ्रॉस्ट। क्या नाम था उनका? फ्रॉस्ट। उन्होंने बोला, देखो भाई, मैं उन्होंने एक रूल दिया जिसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो है फ्रॉस्ट रूल। उन्होंने बोला कि जब भी तुमको किसी साइक्लिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो एक काम करो, एक सर्कल ड्रॉ करो, इसको हाफ में डिवाइड करो और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे उस रिंग को इसके अंदर ड्रॉ कर दो। ठीक है, मैंने जैसे बोला उसी तरीके से इस रिंग के अंदर ड्रॉ करना, तभी तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो थ्री मेंबर के तुमने बनाए थे, उस थ्री मेंबर की रिंग को इसके अंदर इस तरीके से फिट करना है। नीचे वाला जहाँ पर भी ये जो रिंग के कॉर्नर से सर्कल को टच करेंगे वहाँ पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो हाफ में हमने डिवाइड करवाया था, बिलो वाले जो हैं, नीचे वाले जो हैं, वो होंगे सारे डीएमओज। इस लाइन पे जो होंगे, लाइन पे अगर कोई भी जो अपनी रिंग है उसका पॉइंट सर्कल पर अगर टच करता तो वो सारे होते नॉन बॉन्डिंग, और जो ऊपर वाले हैं लाइन से वो सारे होंगे एबीएमओज। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था अपना साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर क्या आए थे? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो एंटी बॉन्डिंग, यही तो आया था। और यहाँ पर भी इसने एग्जैक्टली यही तो बनाया है, ये इसके अंदर इसके हिसाब से भी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और दो एंटी बॉन्डिंग। अब ये तो हो गया थ्री मेंबर का, अब ऐसे ही फोर मेंबर, फाइव मेंबर, सिक्स मेंबर, इनके कैसे बनाएंगे? चलो एक एक करके देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्टेबिलिटी का हमको पता लगाने के लिए आएगा ना, तब हम बार बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बस फ्रॉस्ट सर्कल में देख लेंगे उसको। फोर मेंबर की रिंग को, बस ये रिंग को कैसे फिट करना है ना इसको, इसके अंदर वो देखना आना चाहिए। फोर मेंबर की रिंग को हमको इस तरीके से फिट करना है। अब इस तरीके से क्यों करना है ये सवाल नहीं उठाना है, क्योंकि ये फ्रॉस्ट ने रूल दिया है, वो उनको जाके पूछने का। ठीक है, तो ये अपने कितने ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, यहाँ पर एक BMO हो गया जो लाइन पे है, वो कितने हो गए? दो NBMO हो गए और ये वन ABMO हो गया। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, दो नॉन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? बस ये बन गया। अब अगर कोई भी तुमको यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर दे दिया, चलो यही दे दिया, बोलेगा कि बताओ ये क्या है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है? तो आंसर है साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या सारे कार्बन प्लेनर हैं? आंसर है बिल्कुल है, यस। तो ये कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2+2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते ही ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। अब इधर जाके देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के दो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। बस ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इस तरीके से हम और भी बनाते हैं, अभी 5 मेंबर का बनाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर का भी बनाना। ये मैंने फ्रॉस्ट सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने यहाँ पर ये कर दिया, 5 मेंबर रिंग इस तरीके से बनेगी।
ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हो गया। अरे ड्राइंग पे ध्यान नहीं देने का, ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग सब खत्म, अब केमिस्ट्री है। सिमिलरली यहाँ पर बनाया मैंने, ये एक BMO बना, ये एक PMO बना और ये एक BMO बना, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसके बेसिस पे? आंसर है नोड्स के बेसिस। याद करो, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनमें जब हम MOT पढ़ते थे तो पढ़ते थे कि नोड्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो डिस्टेबलाइज होगा। तो हो सकता है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जब फॉर्मेशन हुआ हो तो बीच में कोई नोड आई हो, इसके अंदर कोई नोड नहीं रही होगी। पर हमको यहाँ पे एक और बात पता लगी कि ये दोनों डीजेनरेट है और ये दोनों कैसे हैं, ABM हुआ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होगा? ये अपने पास BMO वाला हो गया और ये ABM हो गया, ये भी BMO और ये ABM, बस बन गया। अब चाहे तुमको इस तरीके से कोई भी कंपाउंड दे दे, इसके ऊपर पॉजिटिव बना के देख लो, चेक कर लो, 2 + 2 4π इलेक्ट्रॉन्स ही हुए यहाँ पर, तो 4π इलेक्ट्रॉन्स ही हुए तो इसका मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। और अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया तो कितने हो, इसके अंदर कितने 4π इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने 6π इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमको पता चल सकता है कि ये जो है वो है एरोमेटिक और ये वाला जो है वो है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 6 मेंबर्ड का, 6 मेंबर्ड का फ्रॉस्ट रूल से हम कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे? 6 मेंबर्ड की रिंग को भी फिट करना बहुत आसान है, बस देखना ये 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 और ये। अभी डिफिकल्ट लग सकता है पर जब एक बार ड्रॉ करते हैं उसके बाद सब अपने आप ही फिट हो जाते हैं दिमाग में, ठीक है। ये अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, ये तीन तो नीचे BMO हो गए जो कि अलग अलग एनर्जी में है, ये दोनों डीजेनरेट है, ये BMO, ये भी BMO, ये ABMO है, ये दोनों ABMO अलग और ये एक ABMO अलग, बस हो गया। तो यहाँ पर अपना फ्रॉस्ट रूल ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एरोमेटिसिटी के ऊपर, या क्वेश्चंस चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिविजुअली जो है रिंग्स के अंदर हर तरीके की 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर 8 मेंबर ऐसे इंडिविजुअली जो है हर टाइप के रिंग का एग्जांपल लेंगे और चेक करेंगे कि वो एरोमेटिक है या नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।